वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ दीपाली और मेरे चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ वे टीनेजर या हर लड़की के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होंगे, तो जरूर एंड तक वीडियो देखिए कि फाउंडेशन कैसे अप्लाई करना है। कुछ टिप्स मैं शेयर करूंगी जो आपकी फाउंडेशन ऐसे ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस लगेंगे। जो मैंने बेस रेडी किया यही बेस अभी आपको मैं दिखाऊंगी कैसे मैंने इस फाउंडेशन को अप्लाई किया जो इतने ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस एंड स्मूथ फिनिश लुक दे रही है मुझे। तो बहुत लोग फाउंडेशन तो लगा लेते हैं लेकिन उनको तरीका ही पता नहीं कि फाउंडेशन को अच्छी कैसे तरीका से मैं फेस पे अप्लाई करूं कि ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे और वो केकी ना लगे, पैचेस ना हो और जल्दी से पसीना से मेल्ट ना हो जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ और ध्यान से आप इस टिप को जरूर फॉलो कीजिए, देखेंगे आपकी भी ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस फाउंडेशन आपके फेस पे लगेंगे। तो सामने जो देखेंगे क्विक से नहीं पता लगेगा कि आप बहुत भर भर के फाउंडेशन लगाया, एक आपकी स्किन टोन से बहुत अच्छी तरह एब्जॉर्ब भी हो जाएंगे एंड स्मूथ फ्लॉलेस लुक भी देंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। जो फास्ट टिप्स है तो फाउंडेशन लगाने के पहले आपको जरूर आपकी स्किन को केयर करना चाहिए, आपको स्किन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना चाहिए कि जितने भी आप कॉस्मेटिक यूज कर रही है तो आपकी स्किन की लोम छिद्रों के अंदर ना चले जाए, तो आपकी पोर्स के अंदर चले जाए तो जल्दी से आपका पिंपल शुरू हो जाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे ज्यादा भर भर के फाउंडेशन लेके लगा लेते हैं फेस वॉश करने के बाद, ऐसे कभी ये गलती मत कीजिए। तो फास्ट स्टेप होंगे आपके फाउंडेशन लगाने के पहले स्किन को अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेना। तो उसके लिए पहले आपको स्किन को टोनिंग करना है, उसको पीएच बैलेंस मेंटेन करना है कि आपकी स्किन की जितने भी लोम छिद्र है वो मिनिमाइज हो जाए। तो इसके लिए आपको टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टोनिंग करने के बाद आप अच्छी तरह आपके फेस में एक फेशियल ऑयल यूज कीजिए। ये जो फेशियल ऑयल फेस में यूज करना चाहिए फाउंडेशन लगाने के पहले बहुत सारे लड़कियों को पता नहीं होता, तो यही लगा लेते हैं, कोई तो मॉइस्चराइजर भी नहीं यूज करते, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आपको टोनिंग करने के बाद जरूर आपकी स्किन में एक कोई भी आपको फेशियल ऑयल यूज करना चाहिए, या आप विटामिन सी सीरम यूज करते तो वो भी आप लगा सकते। तो मैं इधर देखिए एवोन का फेशियल ऑयल यूज कर रही हूँ। तो फेशियल ऑयल भी आप थोड़ा क्वांटिटी में यूज कीजिए, 2 ड्रॉप आप ले लीजिए 2 चीक्स में, तो उसी में काफी है। तो उसको अच्छी तरह आप स्प्रेड कर लीजिए आपके पूरे फेस पे, तो देन आप नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे। तो आपके अच्छी तरह स्प्रेड हो जाएंगे फेस पे, फिर आप अच्छी तरह एक आपकी कोई भी पसंद का एक मॉइस्चराइजर आप लगा लीजिए आपके फेस में। तो मॉइस्चराइजर लगाना बहुत जरूरी है, जिनका ऑयली स्किन है वो मॉइस्चराइजर स्किप कर देते हैं लेकिन बिल्कुल मत कीजिए। जिनका ऑयली स्किन है वो ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज कीजिए, लेकिन आप कभी भी मॉइस्चराइजर स्किप मत कीजिए। या जिनका ऑयली स्किन है आप फेशियल ऑयल भी स्किप कर सकते हैं लेकिन आप मॉइस्चराइजर कभी स्किप मत कीजिए, मॉइस्चराइजर आप जरूर आपकी स्किन पे अप्लाई कीजिए। तो मॉइस्चराइजर अप्लाई आप बहुत अच्छी तरह कर लीजिए, आप कुंजूसी मत कीजिए मॉइस्चराइजर थोड़ा ज्यादा ही आप अमाउंट में लगाइए, क्योंकि फाउंडेशन हमेशा आपकी स्किन में जाने के बाद ही ड्राई कर देते हैं। आपकी स्किन में जितने भी अच्छा फाउंडेशन हो आपकी स्किन को ड्राई करते हैं, तो इसलिए आप ज्यादा अमाउंट में भी मॉइस्चराइजर यूज करेंगे कोई नुकसान नहीं होंगे। तो अच्छी तरह आप मॉइस्चराइजर यूज कर लिए आपके फेस। तो देखिए जैसे आपने मॉइस्चराइजर लगा लिया तो उसके बाद कोई ऐसे होता है कि मॉइस्चराइजर के ऊपर आप फाउंडेशन लगा लेते हैं, लेकिन ऐसे बिल्कुल नहीं करना। आपकी फाउंडेशन को केकी नहीं होंगे, आप फाउंडेशन को ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग रखना चाहते हैं तो पैचेस ना आए, तो इसके लिए आपको जरूर प्राइमर यूज करना चाहिए। तो जो मेकअप करते हैं जिनके पास आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप तुरंत प्राइमर एक खरीद लीजिए, क्योंकि प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फाउंडेशन लगाने के पहले। तो जिनके पास अभी नहीं है आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं, ये एक अच्छा प्राइमर के काम करते हैं लेकिन ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। तो 2 या 3 आवर्स के लिए आप कोई भी कहीं पे जाना चाहते हैं तो आप एलोवेरा यूज कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम लॉन्ग आप चाहिए तो आपको जरूर एक प्राइमर यूज करना चाहिए। तो देखिए अभी मैं प्राइमर बहुत अच्छी तरह मेरे फेस पे लगाऊंगी, तो अभी मैं कलर बार का प्राइमर नहीं यूज करूंगी क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाने में घर पे ही हूँ, इसलिए तो मैं इधर एलोवेरा यूज करूंगी। तो एलोवेरा एक आप अच्छा क्वांटिटी में लेके आपके फेस में अच्छी तरह स्प्रेड कर लीजिए। तो फाउंडेशन लगाने के पहले फाउंडेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी स्किन वाइज आप फाउंडेशन जरूर आप चूज कीजिए। और ऑनलाइन में आप फाउंडेशन ले रहे हैं तो गलती हो सकती है, क्योंकि मेबलिन का मेरा भी एक फाउंडेशन है, मैंने शेड गलत ले लिया, तो उसमें मैं एक लाइट शेड देके अभी अप्लाई करती हूँ। तो आप ऐसे मत कीजिए क्योंकि वापस नहीं लेते फिर कॉस्मेटिक चीज ऑनलाइन से आप लेंगे, तो इसलिए जरूर आप शेड में ध्यान रखिए आपकी कौन सी स्किन है उसी वाइज या फाउंडेशन चूज कीजिए। और हो सके तो आप
जो फाउंडेशन है वो शॉप से लेना अच्छा होता है, क्योंकि उधर जाके आप आपकी फेस पे लगा के आप सेट चेक कर सकते हैं। तो आपकी स्किन की वाइज आप लीजिए, एक सेट लाइट ले सकते हैं, लेकिन आप डार्क मत लीजिए, या आपकी स्किन की वाइज ही आप लीजिए। आप हाथ में चेक मत कीजिए, क्योंकि हैंड्स में चेक करेंगे तो पता नहीं लगेगा। फेस में हमेशा आपकी फाउंडेशन को चेक करके आप लीजिए, देखेंगे बहुत अच्छा होंगे। तो फाउंडेशन चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप कौन सी सेट का फाउंडेशन लें। तो चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप है, तो प्राइमर लगाने के बाद अभी लगाना है फाउंडेशन। तो फाउंडेशन लगाने के पहले बहुत लोग ऐसे करते हैं, हाथ में बहुत ज्यादा लेके पूरे फेस पे ऐसे जैसे क्रीम को अप्लाई करते ऐसे कर लेते, तो ऐसे कभी नहीं फाउंडेशन को लगाने का तरीका है। तो फाउंडेशन लगाने के पहले आपको पहले आपके हाथों पे आपको ले लेना है इसको थोड़ा अमाउंट में। तो फिर आपकी फिंगर की हेल्प से आपको डॉट 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 करके पूरे फेस पे स्प्रेड करना है कि आपको अंदाजा लगे कि कितना आपकी फेस के लिए चाहिए। ऐसे पूरे जगह में आपको डॉट डॉट करके लगा लेना चाहिए, क्योंकि हर जगह में आपको अच्छी तरह अप्लाई होंगे। तो इसके लिए ऐसे आप करिए, तो देन जो करते हैं हाथ से आप ऐसे रगड़ रगड़ के आप फाउंडेशन मत लगाइए, हाथ से आप करेंगे तो उसमें भी आप डैप डैप करके ऐसे करिए। जिनके पास ब्रश नहीं है या ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है तो नहीं, तो आप सबसे अच्छा है 50 या 100 रुपीस में आपको कॉस्मेटिक शॉप में मिल जाएंगे ब्यूटी ब्लेंडर, तो उसमें बहुत अच्छा एक स्मूथ फिनिशिंग आते हैं। ब्यूटी ब्लेंडर से आप जरूर आपकी फाउंडेशन को आप अप्लाई कीजिए, देखेंगे बहुत ब्रश से भी बहुत अच्छा लुक फ्लॉलेस मिलता है। तो मैंने ये रियलाइज किए, तो इसलिए मैं अभी ब्यूटी ब्लेंडर यूज करती हूँ। तो ब्यूटी ब्लेंडर कभी आप ड्राई ब्यूटी ब्लेंडर यूज मत कीजिए, जैसे मैं इधर कर रही हूँ। देखिए एक बोल पे आप पानी देके 5 मिनट्स पहले, मेकअप के 5 मिनट्स पहले आप उसको सोप करके रख दीजिए, देन आप उसको उठा के अच्छी तरह आप निचोड़ लीजिए, आप जितने भी एक्स्ट्रा पानी है उसको आप रिमूव कीजिए। तो देन आप उसको लेके आपके फेस में ऐसे डैप 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 मोशन पे आप फाउंडेशन को अप्लाई कीजिए। फाउंडेशन को कभी आप ऐसे रगड़ रगड़ के मत यूज कीजिए, उसमें आपका पोर्स जो है बहुत मैक्सिमाइज इनलार्ज दिखाई देंगे या केकी फील होंगे थोड़ी देर बाद। तो आप उसको डैप डैप मोशन पे यूज करेंगे तो फाउंडेशन स्किन में ऐसे बैठेंगे ऐसे ऐसे करके। तो ऐसे करके आप जरूर फाउंडेशन को आप अप्लाई कीजिए, देखेंगे बहुत अच्छा आपको फाउंडेशन का फिनिशिंग। मैं आंखों के एरिया के नीचे कभी फाउंडेशन नहीं यूज करी थी, क्योंकि क्रीज लाइन बहुत ज्यादा पड़ जाता है आंखों के नीचे, तो इसलिए मैं इधर कंसीलर यूज करती हूँ ज्यादा। तो कंसीलर में प्रो एलिगेंस का कंसीलर ज्यादा यूज करी थी, तो उसको लेके आप आईलिड्स के ऊपर या आंखों के नीचे आप अच्छी तरह लगा लीजिए, फिर आप उंगली की हेल्प से उसको बहुत अच्छी तरह आप अप्लाई कर लीजिए, ज्यादा रगड़ के नहीं डैप डैप मोशन पे। देखिए आपकी क्रीज लाइन बिल्कुल नहीं आएंगे, बहुत अच्छी तरह आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएंगे आपका जो कंसीलर है। देखिए मैंने इधर कर ले, बहुत अच्छा एक फिनिश देते हैं जो ये वाला कंसीलर है। ज्यादा हाईलाइट भी नहीं होते आपकी आंख, तो आपकी स्किन के साथ आंख मैच होना चाहिए। तो डार्क सर्कल हाइड करने के चक्कर में आप ज्यादा भी कंसीलर नहीं मत यूज कीजिए। तो इधर मैंने कर लिया मेरा कंसीलर का पार्ट। देखिए अभी कंसीलर का पार्ट मेरा खत्म हो गया। देन कोई ऐसे करते हैं कंसीलर और फाउंडेशन लगाने के बाद छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप करना शुरू कर देते हैं अलग वगैरह आंखों का ऐसे कर लेते, फिर वो मेकअप को सील नहीं करते। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए, मेकअप को हमेशा आपको कॉम्पैक्ट देके आपको सेट करना चाहिए। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैं इधर कॉम्पैक्ट ले रही हूँ। तो कॉम्पैक्ट लगाने के टाइम मैं ड्राई स्पॉन्ज देके कभी कॉम्पैक्ट को मैं यूज नहीं करती। वो जो सोप हुआ ब्यूटी ब्लेंडर है या तो स्पॉन्ज को आप रोज वाटर देके थोड़ा वेट कर लीजिए, देन आप कॉम्पैक्ट लेके दीजिए आपकी स्किन में, देखेंगे बहुत अच्छा फाउंडेशन के साथ आपकी कॉम्पैक्ट एब्जॉर्ब होके सेट हो गया आपके फेस पे। और भर भर के आप कॉम्पैक्ट भी ज्यादा मत यूज कीजिए, क्योंकि थोड़ा पसीना से कॉम्पैक्ट थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं और केकी पैचेस लगना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी अमाउंट चाहिए आप उतने ही अमाउंट आप कॉम्पैक्ट यूज कीजिए, ज्यादा भी नहीं। जो टी जोन पे जहां ज्यादा आपका ऑयलीनेस आता है उधर ज्यादा दे दीजिए ऐसे करके, तो बहुत अच्छा लुक लगेंगे। आप कॉम्पैक्ट देके जरूर सेट कीजिए आपकी जो फाउंडेशन को, तो तभी आपकी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे और केकी नहीं होंगे। तो इधर खत्म हो गया मेरा जो फाउंडेशन का पार्ट। तो देखिए कितने अच्छे एंड फ्लॉलेस ग्लोइंग लुक आपको मिलेंगे। तो फाउंडेशन का बहुत ज्यादा टिप्स मैंने शेयर किया, जो जितने भी मैंने टिप्स आपको बताए वो जरूर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, देखेंगे आपकी फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे, केकी नहीं होंगे, पैचेस नहीं लगेंगे और जल्दी से आपको पसीना से मेल्ट भी नहीं होंगे।
तो यही मेरा वीडियो था। मेरा वीडियो कितना हेल्पफुल मिला आपको, या आप जो मैंने स्टेप आप लोगों से शेयर किया वो करके आप जरूर देखिए, तो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो जरूर मुझे कमेंट करके शेयर कीजिए कि हाँ मेरा जो स्टेप्स है वो आप लोगों को अच्छा लगा। तो जरूर मैं कमेंट की वेट करूंगी आप लोगों की। तो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे आप नए देख रहे हैं तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल बटन है उसको भी प्रेस कीजिए, क्योंकि मैं वीक में 2 दिन जरूर वीडियो अपलोड करती हूँ, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, तो आप मेरे वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।